आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद गायत्री महामंत्र सांस सांस स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम त्रिविध शरीरों की समन्वित साधना पर स्वाध्याय करेंगे। तीन शरीरों के विकास परिष्कार के लिए यूं अनेकों साधनाएं प्रचलित हैं, पर उनका वर्गीकरण किया जाए तो सभी को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। जब, ध्यान और प्राणायाम। इन्हीं त्रिविध आधारों के भेद उपभेद अनेकानेक साधनाओं का स्वरूप विनिर्मित करते हैं। उन्हें समेटा सिकोड़ा जाए तो फिर वे तीन में सिकोड़ा भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा प्रयोग नहीं है जिसे इस परिधि से बाहर किया जा सके। जब में किसी मंत्र विशेष की अनवरत रट लगाई जाती है, पुनरावर्तन का एक गति चक्र विनिर्मित करता है। उसमें अनेक प्रकार की विशेष शक्ति पैदा होती है। ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षा में अनवरत भ्रमण करते हैं। उसी घुमाव परिभ्रमण से यह चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिसके सहारे स्वयं भी अपनी कक्षा में सुस्थिर बने रहते हैं और अपने संपर्क क्षेत्र के अनायाही ग्रह पिंडलों के में जकड़े रहते हैं। यदि यह परिभ्रमण क्रिया बंद हो जाए तो उसका परिणाम बिखराव के रूप में ही होगा। यूं शरीर के मूल घटक यह प्रक्रिया अपनाए रहते हैं, पर उसमें तीव्रता, तालबद्धता और सुव्यवस्था लाने के लिए जबकि शब्द प्रक्रिया एक विशेष भूमिका निभाती है। पुनरावर्तन कालांतर में स्वभाव का अंग बन जाता है और बिना प्रयास के ही अपनी धुरी पर परिभ्रमण करने लगता है। पत्थर से उपकरण को घिस घिस कर ही धारदार और चमकीला बनाया जाता है। स्थूल शरीर का केंद्र नाभि चक्र माना गया है और उसका प्रभाव क्षेत्र अधोभाग की दिशा में एक बड़ी परिधि तक फैला हुआ है। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों वाला मेरुदंड भाग इसी का प्रभाव क्षेत्र समझा जाता है। विशेषतः जननेन्द्रिय मूल और सुषुम्ना की अंतिम छोर नाभि चक्र से प्रभावित होता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया पूरी तरह इसी परिकर से संबंध है। कुंडलिनी स्थूल शरीर की बीज शक्ति है जो जननेन्द्रिय मूल से उठकर मेरुदंड का देवयान मार्ग पार करती हुई मस्तिष्क के मध्य भाग वाले ब्रह्मरंध्र निकलकर संपर्क क्षेत्र को अपनी विद्युत क्षेत्र से प्रभावित करती है। यही इसका ब्रह्मानंद सहस्त्र कमल तक पहुंचती है और आज्ञा चक्र द्वारा बाहर निकलकर संपर्क करती है। जबकि साथ साथ पूजन अर्चन वाली प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। उनके माध्यम से आत्म परिष्कार का प्रशिक्षण क्रम चलता है। चंदन, अक्षत, धूप दीप, नैवेद्य, जल आदि को सद्गुणों में से एक एक का प्रतीक मानकर अपने आप को यह सिखाया समझाया जाता है कि सर्वतोमुखी शालीनता की अवधारणा अभिवृद्धि किस प्रकार की जाननी चाहिए। मंत्र जप के साथ इष्ट देव की छाव को सम्मुख रखना होता है और उस पर श्रद्धा समर्पण का आरोपण करते हुए अपने क्रियाकलापों में आदर्शवादिता का
बढ़ा चढ़ा समावेश करने की मनस्थिति बनानी पड़ती है। उसे उस स्तर तक बढ़ाना पड़ता है ताकि व्यवहारिक जीवन में उसका कार्यान्वयन भी हो सके। इस समस्त पक्षों के समन्वय से स्थूल शरीर में उत्कर्ष समृद्ध बन पड़ने की संभावना परिपक्व होती है। नाभि चक्र में कमल पुष्प का ध्यान करना पड़ता है, जिसमें उसकी प्रत्येक पंखुड़ी उस क्षेत्र की अगणित दिव्य शक्तियों का प्रतीक बनकर निरंतर विकसित होते रहती है और समग्र रूप से विकसित शोभायान कमल का रूप प्रस्तुत कर सके। इसका शरीर सूक्ष्म शरीर है, जिसे एक शब्द में मानसिक संस्थान कह सकते हैं। कल्पना, विचारणा, निर्धारण इसी के ही अंग हैं। तर्क वितर्क इसी में उठते हैं। शिक्षण, अनुभव, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन आदि उपायों के द्वारा व्यवहारिक रूप से इसे ही विकसित किया जाता है। बुद्धिमान, विद्वान, कुशल, पारंगत, समुन्नत बनाने का अवसर इसी क्षेत्र के परिसर में बन पड़ता है। मना क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्राण प्रवाह का अवलंबन लेना पड़ता है। प्राण एक ऐसी विद्युत शक्ति है और वायु के साथ घुली रहती है। इसे संकल्प शक्ति से खींचा और धारण किया जाता है। साधारणतः सांस चलते रहती है, उसके साथ जीवन उपयोगी ऊर्जा प्रदान करने वाली ऑक्सीजन भी समुचित मात्रा में घुलते रहती है। गहरी सांस लेना इसी दृष्टि से अनावश्यक माना गया है कि ऑक्सीजन की समुचित मात्रा फेफड़ों से लेकर छोटे छोटे सभी घटकों को आवश्यक ऊर्जा मिल सके। साथ ही भीतरी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली गंदगी की सफाई भी होती रही। गहरी सांस लेना छोड़ना एक स्वसंचालित व्यायाम है। इसे अपनाना तो जाना ही जाना चाहिए, पर इतना ही सूक्ष्म शरीर के परिष्कार के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे का स्वाध्याय हम कल करेंगे। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।